जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आज बांग्लादेश की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। एक समय था जब बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे चमकदार था, लेकिन अब यह संकट में डूबा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय राजनीति में उलझी हुई है। हाल ही में बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने ढाका में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लेकिन इससे पहले कि ये आंदोलन और बड़ी समस्या बन जाए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा गारमेंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है। इसका लक्ष्य था 2030 तक इस एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह लक्ष्य दूर की बात लग रही है। क्या यह उद्योग फिर से अपनी चमक हासिल कर पाएगा? सरकार के हाल के फैसले और कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता दबाव बांग्लादेश को और गहरे संकट में धकेल रहा है। सेना में बड़े बदलावों की योजना बनाई गई है, जिसमें सेना प्रमुख तक को हटाने की बात हो रही है। क्या इन राजनीतिक बदलावों का असर बांग्लादेश के भविष्य पर बुरा होगा? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह संकट जल्द खत्म हो जाएगा तो आपको यह जानना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक बड़ी बातचीत भी स्थगित हो गई है। इस बातचीत का उद्देश्य बॉर्डर सुरक्षा और अन्य मुद्दों को सुलझाना था, लेकिन अब यह अगले महीने तक टल गई है। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और अगर सरकार सही कदम नहीं उठाती तो यह उद्योग अपनी पहचान पूरी तरह से खो सकता है। लेकिन क्या बांग्लादेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या इसे पहले जैसी सफलता मिलेगी? बांग्लादेश का वर्तमान संकट एक ऐसा मोड़ है जहां इतिहास खुद को दोहरा सकता है, लेकिन इस बार परिणाम शायद पहले से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी चुनौती है एक बढ़ती हुई आंतरिक अस्थिरता और कमजोर होती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करना। जिस तरह कपड़ा उद्योग ने बांग्लादेश की आर्थिक रीढ़ बनाई थी, वही आज इस रीढ़ को तोड़ने की कगार पर है। इस संकट का सबसे बड़ा कारण है सरकार का ध्यान भटकना। जब एक देश अपनी प्राथमिक समस्याओं से नजर हटाकर राजनीतिक खींचतान और कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आ जाता है तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी तेज दौड़ते घोड़े को अचानक रोक दिया जाए और उसकी दिशा को बदलने की कोशिश की जाए। नतीजा, घोड़ा खुद गिर जाता है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जिसने पिछले 3 दशकों में देश को वैश्विक मंच पर चमकाया, अब खुद को एक अनिश्चित भविष्य में झूलता हुआ पा रहा है। अगर हम आगे देखें तो यह संकट केवल बांग्लादेश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह संकट बांग्लादेश को वैश्विक सप्लाई चेन से काट सकता है, जिससे दुनिया भर के फैशन ब्रांड्स और कंपनियां नए विकल्प खोजने लगेंगी, और तब बांग्लादेश के लिए उस खोई हुई जगह को दोबारा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या बांग्लादेश की सरकार अपने फैसलों में इतनी लचीली है कि वह स्थिति को सुधार सके? मौजूदा हालात को देखते हुए राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताएं भटक चुकी हैं। कट्टरपंथियों की बढ़ती शक्ति और सरकार का उनके सामने झुकना यह संकेत देता है कि बांग्लादेश की नीतियों में स्थिरता की कमी है। जब सरकार सेना के प्रमुख अधिकारियों को हटाने जैसे कदम उठाने लगती है, तब यह साफ हो जाता है कि देश की सुरक्षा और विकास की बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि भविष्य कैसा दिख रहा है? अगर वर्तमान हालात में बदलाव नहीं आता है तो बांग्लादेश धीरे धीरे खुद को एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक दलदल में ढंसा हुआ पाएगा। कपड़ा उद्योग, जो कभी चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देता था, अब खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहेगा। और यह केवल उद्योग का संकट नहीं होगा, यह बांग्लादेश के लाखों परिवारों का संकट होगा जिनकी रोजी रोटी इस उद्योग पर निर्भर है। लेकिन अगर एक उम्मीद की किरण है तो वह यह है
कि बांग्लादेश में अभी भी कुछ ऐसे आर्थिक और राजनीतिक ताकतें हैं जो इस गिरावट को रोक सकती हैं। यदि समय रहते सही कदम उठाए जाते हैं और सरकार उद्योग और जनता के हित में बड़े फैसले लेने को तैयार हो जाती है तो इस संकट से उबरने की संभावना है। बांग्लादेश ने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इस बार यह चुनौती कहीं अधिक बड़ी और गंभीर है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की सरकार इन सभी मुद्दों का कैसे सामना करती है। क्या वे कट्टरपंथी ताकतों से लड़ पाएंगे या फिर यह देश अपनी पुरानी चमक खो देगा? क्या कपड़ा उद्योग फिर से खड़ा हो पाएगा या यह गिरावट और गहरा जाएगी? ये सवाल बांग्लादेश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति एक ऐसी कहानी है जिसमें न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परतें भी शामिल हैं। यदि वर्तमान घटनाक्रम इसी तरह जारी रहा तो हम बांग्लादेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। पहली संभावना यह है कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से वैश्विक मार्केट में अपनी स्थिति खो सकता है। यदि कपड़ा उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट आती है या समय पर डिलीवरी में विफलता होती है तो बड़े ब्रांड्स अपने उत्पादन के लिए अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। जैसे जैसे अन्य देशों में प्रोडक्शन यूनिट्स स्थापित होती हैं, बांग्लादेश की बाजार हिस्सेदारी धीरे धीरे घटने लगेगी। इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, जो न केवल उनके लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। दूसरी संभावना यह है कि बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक संकट और अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे देश में जन विद्रोह या बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। यदि सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदलती या अल्पसंख्यकों की आवाजों को दबाती है तो इससे एक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे विदेशी निवेशक भी अपनी पूंजी को वापस खींच सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। एक और अनिश्चितता का पहलू यह है कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को खो देगा। यदि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के सामने झुकती रही तो अन्य देश सहयोग से पीछे हट सकते हैं। इससे न केवल व्यापारिक संबंध प्रभावित होंगे बल्कि बांग्लादेश के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि एक अलग दिशा में बढ़ते हुए बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए एक नई राह भी अपना सकता है। यदि सरकार जनता की आवाजों को सुनने में सक्षम हो जाती है और अपने नीतियों में सुधार करती है तो बांग्लादेश एक बार फिर से एक आर्थिक शक्ति बन सकता है। वे न केवल अपनी कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित कर सकते हैं बल्कि तकनीकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके एक नए उद्योग में भी प्रवेश कर सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति एक जटिल परिदृश्य पेश करती है, जिसमें आर्थिक चुनौतियों, सामाजिक गतिरोध और राजनीतिक अस्थिरता का मेल है। एक विश्लेषण के अनुसार देश के गारमेंट उद्योग की कमजोरियों के पीछे सिर्फ बाहरी कारक ही नहीं है बल्कि आंतरिक नीतियों और सरकारी निर्णयों का भी बड़ा हाथ है। सबसे पहले बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग, जो कभी वैश्विक बाजार में एक चमकता सितारा था, अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि हम इस उद्योग के पिछले 3 दशकों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश ने गुणवत्ता और मूल्य के मामले में प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब जैसे जैसे अन्य देश, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी, अपनी उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं, बांग्लादेश को अपनी पुरानी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता की कमी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की बढ़ती घटनाएं न केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही हैं बल्कि यह निवेशकों के मन में भी संशय पैदा कर रही हैं। अगर सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती और जनता की चिंता को नजरअंदाज करती रही तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक बांग्लादेश से मुंह मोड़ सकते हैं। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो सकती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और देश में असंतोष पैदा होगा। इसके विपरीत एक सकारात्मक परिदृश्य भी संभव है। अगर बांग्लादेश की सरकार समय रहते जागरूक होती है और अपने गारमेंट उद्योग में नवाचार लाती है तो वह एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए स्वचालन और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके
बांग्लादेश अपने उत्पादन लागत को कम कर सकता है, जिससे वह वैश्विक बाजार में फिर से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।